डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंपैरेटिव स्टडी के इस वीडियो सीरीज में आपको कुछ थीम्स जो हैं, एरिया स्टडी जिसको बोलते हैं, करने हैं, जिसमें ब्राजील, चाइना, ब्रिटेन और नाइजीरिया है। मैं कोशिश करूंगा कि ब्राजील और नाइजीरिया को पूरा करें। ब्रिटेन और चाइना आई डोंट नो वेदर हम टाइम परमिट करेगा या नहीं। तो आज हम देखेंगे ब्राजील, पर्टिकुलरली कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, और वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करने से पहले केवल एक जो मन में थॉट आती है आपके साथ शेयर करते हैं। ब्राजील सुनते ही हम इंडियन के जहन में क्या बात आती है? सबसे पहले एक विशाल नेशन, हमारे जैसा ही, हम जैसे ही लोग हम मानते हैं कि ब्राजील में भी हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और उससे भी ज्यादा जो हम सोचते हैं ब्राजील के बारे में तो फुटबॉल की पिक्चर आती है। पेले और अभी करंट में नेमार जैसे प्लेयर, उनकी जो पैशन है फुटबॉल के लिए। इसके अलावा कॉफी याद आती है, ब्राजील जो है सोयाबीन और कोकोआ उसकी लैंड, और हमेशा हमें लगता है कि ब्राजील और इंडिया एक जैसे कंट्री हैं। उनकी जो जीवन जीने की कला है, झूमने की कला, सांबा डांस, कार्निवाल, वो हम इंडियंस को बहुत भाती है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राजील को समझने की, खास करके कि कैसे ब्राजील एक डेवलप्ड नेशन या एक जो न्यू नेशन बना आफ्टर कॉलोनियल पीरियड, एम्पायर बनने के बाद कैसे ये डेमोक्रेसी बना, और उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस, यदि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन देखें, मैंने 3 साल के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, ऑफ कोर्स ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। हाउ हैव द न्यू लिबरल फोर्सेस इंपैक्टेड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्राजील, ये हम इसमें कवर करेंगे। Brazil has emerged as the major economic power in recent years. Discuss the political economy of Brazil in light of this statement. Note mein hai democratic changes in Brazil, multi-party system in Brazil. Yadi aap isko dekhen to aapko basically jo syllabus mein hai political economy, usse hi question aate hain. Is saal bhi aasha hai ki aapko. Waise ye 4 jo area study hain, Brazil, Britain, China, Nigeria, usme se 3 question rehte hain. To chauthe pe note aa sakta hai. Examination point of view se Brazil bahut important hai. क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इंडिया और ब्राजील की एक एफिनिटी है, तो क्वेश्चन सेटर भी ब्राजील को प्राथमिकता देते हैं, मे बी ब्रिटेन के ऊपर। यदि हम देखें कि ब्राजील एक नजर में कैसा दिखता है, मैंने कोशिश की है इसकी समरी सॉर्ट ऑफ देने की आपको। इसकी ऑफिशियल नेम जो है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है। इससे पता लगता है कि ये इंडिया की तरह एक फेडरल रिपब्लिक है। इसका मतलब कि राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है। एरिया इसकी जो है 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यदि आप इंडिया से कंपेयर करें 3.2, तो हमसे ये 2 गुने 2.5 गुने एरिया के बराबर है। पूरे वर्ल्ड में ये यूनाइटेड स्टेट्स से थोड़ा ही सा छोटा है, पूरे जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है उससे भी बड़ा है ये। तो 5th लार्जेस्ट जो है एरिया में कंट्री है। यदि इसकी डेमोग्राफी देखें, 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, यदि इंडिया से कंपेयर करें तो ये हमसे जो है करीब 7 गुना छोटा है पॉपुलेशन में। एरिया में समझिए 2.5 गुना बड़ा और पॉपुलेशन में 7 गुना छोटा, तो कितना कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर भी ये वर्ल्ड का 5वां लार्जेस्ट जो है पॉपुलेटेड कंट्री है। इसकी जो डेमोग्राफी है उसमें जो है बाहर से यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज कॉलोनी रही है, तो पुर्तगाल, स्पेन और डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्री रहे हैं वहां से आकर के जो वाइट बसे हैं वो अभी भी 54% हैं। वाइट और जो ब्लैक, ये जो मिक्स्ड रेस हैं, और ब्लैक यहाँ पे कहाँ से आए थे, वो जो है बेसिकली प्लांटेशन में काम करने के लिए, सुगर फील्ड में काम करने के लिए कॉलोनियल टाइम में अफ्रीका से ह्यूज नंबर ऑफ स्लेव लेबर लाए गए थे। उनके और वाइट के जो इंटरमिंगल होने से जो जो कॉम निकली है उसको वहां पे मुलाचो कहते हैं, जो मिक्स्ड वाइट एंड ब्लैक है वो करीब 40% हैं। ब्लैक जो हैं, जो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, वो 6.2% हैं। और एक बहुत यूनिक बात है कि करीब 1.5 मिलियन जापानीज ओरिजिन के भी लोग वहां रहते हैं, और कई जापान से बाहर सबसे ज्यादा जापानी यदि किसी कंट्री में है तो वो ब्राजील में है। इनकी रिलीजन जो है मोस्टली क्रिश्चियन है, लेकिन 75% रोमन कैथोलिक है और 15% उसमें प्रोटेस्टेंट है। रिलीजन का बहुत जो है वहां पे रोल जो है स्टेट्समैनशिप या पब्लिक पॉलिसी या पॉलिटिक्स में नहीं है, कम है वहां पे। पॉलिटिकल सिस्टम यदि देखें तो ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है इंडिया की तरह ही, लेकिन
ये इन प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम नहीं है या पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, अमेरिका की तरह, नॉर्थ अमेरिका के या यूएसए की तरह ये जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इकोनॉमी इसकी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी जीडीपी जो है करीब 2 trillion US dollar है, इंडिया से कंपेयर करें तो 3 trillion US dollar है, तो हमसे ये छोटी इकोनॉमी है। हम जो है पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया तो ये 9th largest है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन चूंकि बहुत कम है इसलिए जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से देखिए करीब 4 गुना ज्यादा है, 9000 US dollar जो कि हमारी 2000 US dollar है, इसलिए ये 73rd rank पे है पर कैपिटा जीडीपी में, जबकि हम जो है 145th rank पे है। ये एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी शुरू से रही है, कॉलोनियल टाइम से रही है। इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, सुगर, सोयाबीन, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोकोआ का है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट जो है टोबैको का है। इसके अलावा जो है कॉर्न, बीफ, इथेनॉल जो सुगर से निकलती है वो भी लार्ज एक्सपोर्ट करता है, चिकन भी एक्सपोर्ट करता है, तो बीफ एंड चिकन का बहुत बड़ा ये एक्सपोर्टर है क्योंकि वहां पे रेंचेज हैं, आपने पढ़ा होगा जो साउथ अमेरिका के रेंचेज, तो ब्राजील उसके लिए बहुत फेमस है। तो कॉफी और मिल्क ये समझिए वहां की पब्लिक पॉलिसी में गुली मिली हुई है। अदर एक्सपोर्ट आइटम जो है क्रूड ऑयल है जिसकी लार्ज यहाँ पे जो है रिजर्व मिली है। आयरन ओर के लिए वन ऑफ बिगेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया के जैसे ही। केमिकल वुड पल्प, आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील खुद नाम जो है एक वुड का है, वहां पे जो पुर्तगीज स्पेनिश आए थे तो उन्होंने ब्राजील ट्री के नेम पे इसका कंट्री का नाम ब्राजील रखा, अभी भी ये केमिकल वुड पल्प एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में कार और स्टील भी एक्सपोर्ट होती है, सो इसका ह्यूज एक्सपोर्ट है और इसको ट्रेड सरप्लस है मोर देन 50 billion US dollar का, मतलब कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है। इंडिया का यदि आप देखें तो हम ह्यूज ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं -176 billion US dollar। ये जो है इसकी यदि अलायंसेस देखें या इकोनॉमिक ब्लॉक में तो ये G20 का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा ब्रिक्स नेशन जो है उससे ब्राजील उसी शुरू ही होती है, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना जो नेशन है, साउथ अफ्रीका, तो उसकी जो है ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये मरकसूर जो है वो 4 states जो साउदर्न अमेरिका में कॉमन मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि ब्राजील के अलावा अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे है, उसका ये मेंबर है मरकसूर। अब बहुत तेजी से यूरोपियन यूनियन की तरह एक फ्री मार्केट और कॉमन मार्केट बनने जा रहा है जिसकी अपनी एक करेंसी भी हो सकती है। ये FTAA का भी मेंबर है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ अमेरिका, जिसको यूएसए लीड करता है। इसकी कल्चरल जैसा मैंने आपको बताया, इट इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स फुटबॉल, कार्निवाल, सांबा डांस, म्यूजिक, सनशाइन बीचेस और अमेजन बेसिस। अमेजन और एनाकोंडा को कौन भूल सकता है वर्ल्ड में, जो उसकी जो खतरनाक जंगल और जो अमेजन की जो विशाल जो बेसिन है और दलदल से भरा हुआ, और उसमें जो एनाकोंडा जैसे जो बायोडाइवर्सिटी, सांप और कितने ही जानवर, वो जो है एक समझ लीजिए पूरे दुनिया का लंग्स जैसा है। सो दिस इज ब्राजील एट ए ग्लांस, ट्रूली ए वेरी डाइवर्सिफाइड, लार्ज एंड वेरी ग्रेट कंट्री जस्ट लाइक। यदि कुछ यूनिक सोशियो पॉलिटिकल फीचर्स देखें ब्राजील के, तो इट इज द ओनली पुर्तगीज स्पीकिंग नेशन इन अमेरिका, और कोई नहीं है, स्पैनिश है ये लेकिन पुर्तगीज है। डिस्पाइट सक्सेसफुली लॉन्चिंग लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर स्कीम सच एज बोल्सा फेमिलिया, जो कि पूरी दुनिया के लिए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में एक मिसाल है, इंडिया ने भी उससे सबक लिया है, लेसन लेके अपना DBT लॉन्च किया है, लेकिन इसके बावजूद ये मोस्ट सियारा लियोन के बाद सेकेंड मोस्ट इनइक्वल सोसाइटी है पूरी दुनिया में, जिसको कि मेजर किया जाता है जीनी कोफिशियंट से, और 0.6 बहुत हाई जीनी कोफिशियंट है। इसे पता लगता है कि यहाँ पे जो है अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज्यादा है, बहुत थोड़े लोग जो हैं बहुत ज्यादा अमीर हैं और पूरी बाकी मासेस जो है बहुत पुअर है, तो इनइक्वलिटी इसकी एक बहुत माइनस फीचर है इसके सोशल स्ट्रक्चर की या सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट विथ करप्शन, ये यहाँ करप्शन जो है इसका बहुत बड़ा एक दंश है यहाँ पे, इंडिया के जैसे ही, इंडिया से भी ज्यादा है। जस्ट एज ग्रोथ को एग्जिस्ट विथ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी इन ब्राजील, ब्राजील ने बहुत ग्रोथ किया है, एक तरह का सुपर पावर बनने की दिशा में है, लेकिन अभी भी पुअर है, अभी भी वहाँ 10-15% लोग जो है पॉवर्टी के नीचे है और हाईली इनकम इनइक्वलिटी तो है ही। अमेजन बेसिन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो तो एक महान जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 40% ऑफ ग्लोब्स इंटायर रेन फॉरेस्ट वहीं पे है, एग्जिस्ट वन
फिफ्थ ऑफ प्लैनेटरी ऑक्सीजन लंग है ये प्रोड्यूस करता है, मतलब 20% ऑक्सीजन, और 20% करीब प्लैनेट का जो है फ्रेश वाटर रिजर्व है, और 1/10 ऑफ द प्लांट्स प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशन वहां रिसाइड करते हैं। तो आप इमेजिन बेसिस की इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस इकोलॉजी के लिए, वर्ल्ड इकोलॉजी के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं। उसका रिपोजिटरी ब्राजील है। ब्राजीलियन स्टेट इज एन एनोमली, इट हैज बीन बोथ हाईली सेंट्रलाइज्ड and decentralized during different periods of its history. India में आपको याद है कि केवल constitution बनने के time में ही इस पे बहस हुई कि centralized और decentralized, हम लोग highly centralized federal country है, लेकिन Brazil में ऐसा नहीं हुआ, ये federal है, कई बार ये highly decentralized हो जाता है, लेकिन फिर कई बार एक authoritarian government आती है वो highly centralized कर लेती है, तो उसके बीच में जो है ये झूलता रहता है। Fragmentation and personalism in Brazilian politics, यहाँ पे इतनी parties हैं और वहां चूंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इंडिया जैसे नहीं है, तो इसलिए हाईली फ्रेगमेंटेड एंड पर्सनल पॉलिटिक्स है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिशियन है जो कई बार जो है ऑन एन एवरेज एक पॉलिटिशियन 3 बार जरूर पार्टी चेंज करता है अपने लाइफ टाइम में, पिछले 10 सालों में, मतलब सोच लीजिए लाइफ टाइम में तो और बहुत ज्यादा करता होगा। तो इससे जो है कोई पार्टी लॉयल्टी रहती नहीं है, बिना कोलिशन के जो है कोई काम हो नहीं सकता है। प्रेसिडेंट चूंकि डायरेक्टली चुने जाते हैं, उनको किसी पार्टी के होने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो कि वहां का पार्लियामेंट है उससे काम कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां किसी पार्टी की मेजोरिटी होती ही नहीं है। इसके अलावा पैट्रिमोनियलिज्म, जो मैंने आपको कई बार समझाया क्या होता है, जहां पे कि स्टेट यदि स्टेट रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करने लगे, जिसको कि क्लाइंटलिज्म बोलते हैं, कि आप हमें वोट दो तो हम तुमको ये देंगे, इस रीजन को हमने कुछ बेनिफिट दे दिया क्योंकि वो हमें वोट देता है, इस टाइप की जो बिहेवियर होती है पैट्रिमोनियलिज्म होती है, और वो जो है पॉपुलिज्म के थ्रू होती है कि आपको मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, आप मतलब स्टेट के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए पॉलिटिशियन जब बांटने लगते हैं। कॉर्पोरेटिज्म भी यहाँ पे रही, कॉर्पोरेटिज्म मतलब जहाँ पे कि स्टेट एक कॉर्पोरेशन के जैसा बिहेव करता है, जहाँ पे कि हर मामले को वो कंट्रोल करता है, यूनियन कैसा बिहेव करेगा, वेज कैसा होगा, कौन स्ट्राइक करेगा कौन नहीं करेगा, सारी चीजों को जो है ये स्टेट अपने डिवीजन की तरह ट्रीट करता है। ऐसी भी कई फेजेस ब्राजीलियन पॉलिटिक्स में रहे जहां स्टेट बिहेव्ड एज ए कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट। और करप्शन, जैसा मैंने बताया, अभी भी आपको यदि पेपर में पढ़ेंगे तो वहां एक मूवमेंट चल रहा है एंटी करप्शन, उसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप कार वॉश, बहुत सुनने में अजीब लगता है कि कार की सफाई, वो अभी चल रहा है जिसमें कि स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं और पॉलिटिशियंस जेल जा रहे हैं। इनफैक्ट उसके सबसे बड़े जो पॉलिटिशियन थे, जो लूला जिन्होंने 10 साल तक शासन किया था, वो भी अभी जेल जाने के कगार पे ही अचले भी गए हैं। तो करप्शन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां के पॉलिटिक्स में है। तो ये सब मिल करके जो है ये अंडरमाइन करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, और वो एक कारण रहा है ब्राजील के बहुत ग्रेट नहीं बन पाने का, इसके बावजूद कि इसमें एक सुपर पावर बनने के लिए सभी जो तत्व होने चाहिए वो मौजूद है। यदि हम इसके पॉलिटिकल फेजेस को देखने की कोशिश करें कि कैसे एक मॉडर्न ब्राजीलियन नेशन बना है, तो 1500 में जो है पेड्रो अल्वारेस गैब्राल, जो इन्होंने जो कि एक नेविगेटर थे और बहुत बड़े विजनरी काइंड ऑफ सेलर थे, उन्होंने डिस्कवर किया पुर्तगीज इनको, समझिए 2 साल बाद, जबकि वास्को डी गामा इंडिया आया जस्ट उसके 2 साल बाद, गैब्राल ने जो है उन्होंने डिस्कवर किया इसको ब्राजील को, उन्होंने उसको नाम भी दिया और वहां पे पुर्तगीज ने अपनी कॉलोनी बसाई। ये जो है करीब 322 साल तक चला, 1822 तक। 1822 में जो है वहां पे जो डॉम पेड्रो वन थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने को इंडिपेंडेंट पुर्तगाल से, ब्लडलेस कह लीजिए, कोई लड़ाई नहीं हुई और ये उससे अलग हो गया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की, और उसके बाद जो है 1822 में जो है वो राजा बन गए ब्राजील के, और वहां पे जो है पोर्तुगीज कॉलोनियल रूल जो है शांति से खत्म हो गया। उसके बाद उनका बेटा जो है डॉम पेड्रो टू जो है 1822 में राजा बना, लेकिन 1988 आते आते वहां पे जो है रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे जो है उसको हटा दिया गया, राजा को जो है वहां हटना पड़ा और वहां पे डेमोक्रेसी की जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई। सो 1889 में जो है उनको एक्साइल दे दिया गया डॉम पेड्रो टू को, एंड जो ये जो डेमोक्रेसी बनी, जो रिपब्लिक बनी, वो कैसी थी, वो लैंड ओनिंग इलीट्स ने जो है एक ओलिगार्ची जो है, ओलिगार्ची मतलब क्या, कुछ लोग इलीट लोग मिलकर के कुछ लोग जब शासन चलाते हैं, उस टाइप की जो है ये डेमोक्रेसी बनी। ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं थी, इसको कॉफी एंड मिल्क पॉलिटिक्स इस पीरियड को बोलते हैं। कॉफी एंड मिल्क पॉलिटिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो
जो कॉफी की एरिया है साओ पाउलो और जो मैनस गेरियस जो उनका स्टेट है वहां पे जो है रैंचेज है, वहां मिल्क बहुत होती है। तो मैनस गेरियस और साओ पाउलो जो स्टेट के जो इलिट्स थे उन्होंने मिल करके ये जो है रिपब्लिक को शेप दिया था आफ्टर द एम्पायर के खत्म होने के बाद, इसलिए इसको कॉफी एंड मिल्क पॉलिटिक्स बोलते हैं। 1889 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इसको फर्स्ट रिपब्लिक भी कहते हैं। 1891 में जैसा मैंने आपको बताया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश होता है और डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है जैसे यूएस के जैसा वहां पे शुरुआत होती है। यदि आप देखेंगे कभी भी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री तो यहाँ फर्स्ट रिपब्लिक, सेकेंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक ऐसा आपको बार बार मिलेगा, क्योंकि ब्राजीलियन पीपुल हमेशा सोचते हैं कि हमारी रिपब्लिक जो है डिफरेंट फेजेस से पास की है, तो इसलिए उसका नाम वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड देते हैं। 1930 तक जो है ये ओल्ड रिपब्लिक चलता है। 1930 में फिर एक तरह का मिलिट्री जैसी जो है ब्यूरोक्रेटिक या मिलिट्री कू होती है और वहां पे वार्गास जो है जो कि सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन यदि कह लीजिए तो वो जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। वार्गास जो है उसकी एरा को न्यू स्टेट कहा जाता है। 1930 से 45 तक इनका जो सेकेंड पीरियड था 37 से 45 वो एक तरह का डिक्टेटरशिप जैसा था उसमें, लेकिन बहुत डेवलपमेंट हुआ। इसको सेकेंड एंड थर्ड रिपब्लिक भी बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड को सेकेंड रिपब्लिक और जो डिक्टेटरशिप वाली है उसको थर्ड रिपब्लिक। ये ऑथोरिटेरियन कॉर्पोरेटिस्ट रिजिम था, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला ये डेवलपमेंट का भी काल था, नेशनलिज्म का भी काल था, एक नेशनल फीलिंग वहां पे हुई, पॉपुलिस्ट तो था ही ये, सोशल वेलफेयर वेलफेयर जो जो कि बहुत कोर है ब्राजीलियन पॉलिटिक्स की उसकी शुरुआत वर्गास ने की, और ह्यूज सेंट्रलाइजेशन था, मतलब कि जो स्टेट थे वहां 26 स्टेट है उनको कोई बहुत ज्यादा उस समय में पावर डिवॉल्व नहीं था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट लेड जैसे इंडिया में नेहरू जी ने किया उसी तरह वर्गास ने वहां पे ह्यूज बड़े बड़े जो है माइनिंग स्टील और पेट्रोकेमिकल के जो है प्लांट लगाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम ये सब बनाया। तो मतलब जस्ट लाइक इंडिया, वहां पे इंडिया करीब 15 साल या 20 साल पीछे था, वहां पे शुरुआत हुई। उसके बाद जो है वर्गास पीरियड के खत्म होने के बाद 46 से 64 तक जो है जिसको कि फोर्थ रिपब्लिक कहते हैं, एक पॉपुलिस्ट और फ्रेजाइल डेमोक्रेटिक पीरियड बना जो कि बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया, और ऐसा हुआ कि 64 आते आते जो है वो एक पॉपुलिस्ट था कि वहां पे बहुत नए नए स्टेट बनाए गए, बहुत लोगों को फ्रेंचाइज दी गई, मतलब सिटीजनशिप काफी बढ़ गया। पहले ब्राजील में केवल जो है लिटरेट मेल को फ्रेंचाइज था, मतलब वोट देने की पावर थी, बाद में जो है सभी को ऑलमोस्ट सबको दिया गया, उसको काफी बढ़ाया गया, नए नए स्टेट बने नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन में जो कि पॉपुलिज्म का कारण था कि हमको वोट मिले। ये फ्रेजाइल पीरियड जो है उसमें मिलिट्री कू होती है 1964 में, और फिर नेक्स्ट फेज आ जाता है 20 साल के लिए 21 साल के लिए मिलिट्री डिक्टेटरशिप का, इसको फिफ्थ रिपब्लिक बोलते हैं। ये था तो डिक्टेटरशिप लेकिन उतना कोई आतताई नहीं था, उतना कोई टॉर्चरस नहीं था, ये कोई स्टालिन जैसा नहीं था कि वहां लोगों को मारा जा रहा है, वो काफी बेनिफोलेंट डिक्टेटरशिप था, और वो एक ह्यूज गोल्डन एक ह्यूज डेवलपमेंट का पीरियड था, इनफैक्ट आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं उस पीरियड को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ब्राजीलियन मिराकल कहते हैं, क्योंकि उस समय ब्राजील ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप में कई साल तक लगातार जो है 10% से ज्यादा GDP ग्रोथ किया, एक बार तो करीब 20% के पास तक पहुंच गया था, और उससे जो है पूरे दुनिया में जो है ब्राजील की तरफ लोगों की नजर गई कि ये एक ब्राजील मिराकल है। लेकिन 1984 आते आते जो है मूवमेंट होता है जिसको कि पुर्तगीज में देराटा जा बोलते हैं, वो मतलब डायरेक्ट मतलब ये वोटिंग, लोगों का कहना था कि हमको मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, मास मोबिलाइजेशन कैंपेन होता है, और फिर जो है 1985 में जो है फिर से री डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है जिसको कि सिक्स रिपब्लिक बोलते हैं, जो अभी तक चल रहा है, उसको न्यू रिपब्लिक भी कह सकते हैं। 1988 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है विच गेव न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल राइट। तो ये एक लंबा जो फेज मैंने आपको एक देने खाका खींचने की कोशिश की, इस तरह से ब्राजील एक जो है मॉडर्न नेशन के तौर पे इन पॉलिटिकल फेजेस को पार करके आज दुनिया के सामने आता है। एक तरह से कहिए तो मल्टी पार्टी एक फेडरल डेमोक्रेसी जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एडॉप्ट करती है, जिसमें कि एक तरह का सेंट्रलाइजेशन भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट भी है लेकिन डिसेंट्रलाइज भी है, 26 स्टेट हैं और उनको जो है इंडिया के जैसा ही से यहाँ पे भी 29-30 स्टेट हैं, तो उस तरह से उनको पावर डिवॉल्व है, और थर्ड लेयर हम देखेंगे म्यूनिसिपैलिटीज हैं तीसरी लेयर ऑफ डेमोक्रेसी, उनको भी काफी पावर जो है डिसेंट्रलाइज। तो दिस इज द मेजर पॉलिटिकल फेजेज ऑफ ब्राजील। यदि हम ब्राजील की पॉलिटिकल सिस्टम देखें
मैंने कुछ चीजें तो आपको पिछले स्लाइड में कहना शुरू कर दिया था, ये एक फेडरल रिपब्लिक है, यहाँ पे 26 स्टेट हैं और वन फेडरल डिस्ट्रिक्ट है ब्राजीलिया जो है, उसका जो कैपिटल है उसको एक अलग स्टेटस दी गई है, उसको भी एक स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा 5,500 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज हैं जो थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, उनको भी वो मेयर द्वारा हेड होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव कौन है, फेडरल स्टेट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों चलाते हैं सरकार अपने कैबिनेट के साथ में, स्टेट में गवर्नर अपने कैबिनेट के साथ में और म्यूनिसिपैलिटीज में मेयर, और ये सब जो है डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इंडिया के जैसा इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। लेजिस्लेचर यदि आप देखिए तो फेडरल को नेशनल कांग्रेस कहते हैं, जिसमें कि सीनेट है, सीनेट 81 मेंबर इलेक्टेड फॉर 8 ईयर्स, 3 फ्रॉम ईच स्टेट एंड फेडरल डिस्ट्रिक्ट। चैम्बर ऑफ डिप्टीज जो इसकी लोअर हाउस है, सीनेट हायर हाउस मतलब अपर हाउस और चैम्बर ऑफ डिप्टीज जो है लोअर हाउस है, 513 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 4 ईयर्स। स्टेट में जो है यूनिकैमरलिटी है, मतलब यूनिकैमरल एक ही वहां पे लेजिस्लेचर है जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इंडिया के जैसे ही। म्यूनिसिपैलिटी में अपना चैम्बर होता है जो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसलर होते हैं इंडिया के जैसा। तो बहुत ज्यादा इंडिया के जैसा ही है, यहाँ पे लोकसभा है वहां पे चैम्बर ऑफ डिप्टीज है, यहाँ पे राज्यसभा है वहां पे सीनेट। जुडिशियरी यदि देखिए तो इंडिया से बहुत अलग है, सुप्रीम फेडरल कोर्ट है, हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस है, रीजनल कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट हैं, इलेक्टोरल कोर्ट हैं, मिलिट्री कोर्ट, डिफरेंट टाइप कोर्ट हैं, स्टेट कोर्ट्स हैं। जुडिशियरी हैज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मोस्ट जजेस आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ बाय प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ सीनेट। तो इंडिया से बहुत अलग है, कॉलेजियम सिस्टम है और वहाँ सीनेट के एडवाइस पर प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। इंडिया के या यूएस के जैसा वहाँ जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है कोर्ट्स को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को, उससे कोर्ट वहां पे कम जो है इफेक्टिव है, जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत लो है। इनफैक्ट ब्राजील में जो है जुडिशियरी लेजिस्लेचर का रोल जो है पब्लिक पॉलिसी में बहुत कम है, एग्जीक्यूटिव वहां पे सुप्रीम है, वो पॉलिसी बनाते भी हैं, उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। वोटिंग इन ब्राजील इज कंपल्सरी, जो कि बहुत यूनिक है, वहां पे वोट नहीं करने पे फाइन लगता है। 18 साल से ऊपर और 70 साल से कम के लोगों के लिए वोटिंग बिल्कुल कंपल्सरी, लेकिन यदि आप 18 से नीचे हैं, वहां पे 16 साल से वोटिंग दे दी जाती है, तो 16 से 18 और 70 के ऊपर वो ऑप्शनल है। एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड पार्टी सिस्टम, ऐसा मैंने आपको बताया भी, 70 से ज्यादा पार्टी हैं, 32 तो उसमें से रजिस्टर्ड हैं, एंड जो टॉप वन जो है वो केवल 12% वोट जो है वो कांग्रेस में जीतता है। तो समझिए कितना ज्यादा फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स है। अब हम इसको सेकेंड पार्ट में देखेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी ब्राजील की। पॉलिटिकल इकोनॉमी होती क्या है यदि आप देखें तो ये है कि हाउ इकोनॉमिक्स ऑफ ए नेशन इज शेप्ड बाय हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एंड सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ये नॉर्मल जब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इकोनॉमी की जब शुरुआत हुई थी ग्रीक के टाइम में तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ही थी। एडम स्मिथ एंड अदर्स जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब जिसको बोलते हैं कि जो कि एक नॉर्मेटिव काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स थी कि सोसाइटी और उसकी सोशियो कल्चरल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, सोसाइटी और स्टेट का कैसे रिलेशन होता है, इंडिविजुअल का स्टेट से क्या रिलेशन है, ये सब जो है। और बाद में जो है काफी मैथमेटिक्स और जब क्वांटिटेटिव आ गई इकोनॉमिक्स तो उन्होंने अपने को 20th सेंचुरी में अलग कर लिया पॉलिटिकल इकोनॉमी, और पॉलिटिकल इकोनॉमी एक अलग जो है नॉर्मेटिव ब्रांच बन गया। How economic theories such as capitalism, socialism and communism work in the real world, ये भी political economy है, thus it is a broader study of economics in the socio-political setting of a particular nation, community. Comparative political economy studies interactions between the state, market and society, both national and international, as per Britannica.com. तो इसकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड स्टेट, स्टेट एंड इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड मार्केट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इनइक्वलिटी है वो कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज किन कैसे बनती है, क्या क्या फोर्सेज होते हैं जो शेप करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को, और इकोनॉमिक चेंजेस सोसाइटी में कैसे होते हैं, ये सब जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो आपको जो है इन चार कंट्री जो है ब्राजील, ब्रिटेन, नाइजीरिया और चाइना का पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली पढ़नी है। सो वी विल नाउ नेक्स्ट सी इन द नेक्स्ट स्लाइड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्राजील। ये एनिमेटेड स्लाइड है, मैंने कोशिश की है आपको एक एक करके बताने की। इसकी फीचर्स देखें पॉलिटिकल इकोनॉमी की तो हिस्टोरिकली एग्री एक्सपोर्ट बेस्ड कॉलोनियल इकोनॉमी रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉफी, कोकोआ, टोबैको, कॉर्न और शुगर इन सब पर बेस जो है कॉलोनियल टाइम से ही, और वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये एक्सपोर्ट बेस है।
स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेगा पीएसयू, मेगा प्रोजेक्ट लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और जैसे पीएसयू में आप वहाँ ब्राजील में जाएंगे तो आपको पेट्रोब्रास, इलेक्ट्रोब्रास और वैले, इस टाइप की कंपनी जो ह्यूज कंपनी है, आपको उसके नाम वहां पे रिवर्बरेट सुनाई पड़ेगी। वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसकी जीनी कोफिशिएंट बहुत हाई है, वेरी वेरी अनइक्वल है। इनइक्वलिटी का पैमाना देखिए, इसके कई मतलब की स्टैटिस्टिक्स हैं, 5 versus 95, रिचेस्ट 5% हैव द सेम इनकम एज द रिमेनिंग 95%, ना इनइक्वल समझ सकते हैं। 6 versus 50%, 6 richest Brazilian men have the same wealth as poorest 50%. ऐसे कितने ही स्टैट है जो बताते हैं कि ब्राजील एक हाईली हाईली जो है अनइक्वल सोसाइटी है। इसके अलावा ह्यूज रीजनल डिस्पैरिटी भी है, मतलब रीजन बाय रीजन भी इनइक्वलिटी काफी ज्यादा है। आप यदि इस डायग्राम में देखिए तो जो मैंने रेड से जो मार्क किया या वायलेट से जो मार्क किया है, वो जोन जरा देखिए ब्राजील के किस क्षेत्र में आते हैं, वो साउथ और साउथ ईस्टर्न या साउथ सेंट्रल में आते हैं, जिसमें कि मेनास गेरास है जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग या रैंच वाली है, जहां मीट और मिल्क होती है। इसके अलावा साओ पाउलो है जो कॉफी बेल्ट है, रियो डी जेनेरो है जो बीचेज एंड बहुत ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रियलाइज हुई है, और रियो ग्रांडे डो सुल है जो साउथ ईस्टर्न एरिया में है। ये चारों जो हैं एकदम मोस्ट डेवलप्ड स्टेट हैं। अब जरा नजर दौड़ाइए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, आपको ह्यूज नंबर ऑफ छोटे 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 स्टेट मिलेंगे जो कि बिल्कुल जो है अंडर डेवलप्ड हैं, और नॉर्दर्न एरिया जो कि अमेजन बेसिस में है वो भी बहुत अंडर डेवलप्ड है। इसकी जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया जो है वो लगभग अब साउथ सेंटर में हो गई है, पहले जो है रियो डी जेनेरो जो है वो कैपिटल का भी काम करता था। तो ये हाईली जो है एक रीजनल डिस्पेरिटी है, जहाँ की एक ये जो जोन है साउथ और साउथ सेंट्रल वो तो इतना डेवलप्ड है, इनफैक्ट यहाँ पे सभी कुछ अलग है। यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस एरिया में ज्यादा है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सोशल जो सर्विसेज या पब्लिक फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया बहुत ही पुअर है, बहुत तरह से पिछड़ा हुआ है। इंडिया की आपको याद दिलाता हुआ कैसे बिहार और महाराष्ट्र या बंगाल और यूपी और एक तरफ, और साउदर्न जो स्टेट है तमिलनाडु और कर्नाटका कैसे कितना डिफरेंट है, वो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इंडिया जैसी ही सिचुएशन नजर आती है। 87% ब्राजीलियन लिव्स इन सिटीज, मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। आप समझिए करीब 90% लोग जो है सिटी में रहते हैं, गांव तो पूरी तरह डिजर्टेड है। उसका कारण ये हुआ है कि ह्यूज रूरल माइग्रेशन हुआ है, लोग भाग करके शहर में आ गए हैं, और शहर में गरीब लोगों को रहने के लिए कहाँ मिलेगी, तो वहाँ फेवेला है जो कि इंडियन स्लम आप समझ सकते हैं, धारावी टाइप स्लम वहां पे उसको फेवेला बोलते हैं। इसकी पिक्चर आप देखें तो ये एक फेवेला है जो रियो डी जेनेरो के बाहर में है। इस टाइप से जो है घेटो आप कह सकते हैं, छोटे छोटे जो है घर बने हुए हैं बेतरतीब ढंग से, इसको वहां पे फेवेला बोलते हैं। ह्यूज डेट डिस्पाइट ट्रेड सरप्लस, यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इतना लोन लेती है क्योंकि यहाँ खर्च करने की कोई सीमा नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं, इतने बड़े बड़े सोशल वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, इसके अलावा ह्यूज करप्शन है, इसके चलते वहाँ पब्लिक डेट बहुत ज्यादा है, उसके चलते जो है वहाँ की करेंसी को बार बार डिवैल्यू करना पड़ता है, और इन्फ्लेशन भी वहाँ पे हाइपर हो जाती है। रिलेटिवली क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी उसको बोलते हैं जिसमें कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता, जैसे वहाँ 20% है, इंडिया में वो 45% है, तो एक तरह से ये पार्शली क्लोज इकोनॉमी है। हाइपर इन्फ्लेशन इसकी जो है एक फीचर रही है, खास करके 14 साल जो 1980 से 1994 के बीच में 4 digit एनुअल इन्फ्लेशन, मतलब कि 1000 type 1000 इंडेक्स जो है, मतलब कि एक ही महीने में जो है 100 गुना जो है वो उस तरह की इन्फ्लेशन, तो ये ऐसा हाइपर इन्फ्लेशन रहा है, लेकिन अब उसको बहुत टेम कर लिया गया है। अब जो है इंडिया के जैसा यहाँ पे सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन रहती है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है ब्राजील के एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की खास बात रही है। यहाँ पे करेंसी आपको बता दें कि 4-5 करेंसी यहाँ पे ट्राई की गए हैं, अभी जो करेंसी है उसका नाम रियल है, और जो रियल जब से आया तब से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में हुई है।
from double digit GDP growth during military regime, जो आपको मैंने बताया Brazilian miracle, जब military regime थी 64 से 84 के बीच में तो double digit GDP growth हुई थी, उसके बाद से जो है GDP growth moderate हो गई है, कई period ऐसे आए हैं जहाँ पे कि negative GDP growth हुई है, अभी पिछले 2-3 साल पहले यहाँ पे huge recession था, negative GDP growth थी, और अभी आजकल यदि आप देखें तो 1% के आसपास GDP growth है, जो वहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि positive हुआ है। एक और यहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी में एनवायरनमेंट का इशू आता है, क्योंकि अमेजन बेसिस यहाँ की एक बहुत बड़ी एक नेचुरल धरोहर है और उसकी जो है क्षय हो रही है, उसको काट काट करके उसके जंगल और उसके बेसिन को जो है कॉलोनाइज करके जो है खेती होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उसका यूज जो है एनवायरमेंटल कॉस्ट भुगतना पड़ रहा है, ना केवल ब्राजील को साउथ अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया को। इसलिए वहां पे रियो में अर्थ समिट भी हुई थी, वहां पे एनवायरमेंटल इशू बहुत ही सेंसिटिव है। और फाइनली जो है वहां पे लार्ज इनफॉर्मल या पैरेलल ब्लैक मार्केट इकोनॉमी है जो कि टैक्स नेट से बाहर है, ये भी आपको इंडिया की याद दिलाता है। ये स्लाइड मैंने केवल इसलिए रखा है कि वो एनिमेटेड में आप यदि नोट नहीं कर पाए तो वही बातें यहां पे मैंने आपको एक नोट के फॉर्म में दे दिया है। यदि हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के फीचर्स देखने के बाद ये देखें, जैसे कि मैंने आपको पॉलिटिकल मेजर फीचर्स बताए थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के भी मेजर फीचर्स आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी जो है इकोनॉमी डेवलप हुई है, कैसे सोसाइटी और इकोनॉमी या स्टेट का रिलेशन कैसे बदलता रहा है। 1900 से 1930 में जो है, जिसको आप याद कीजिए ओल्ड रिपब्लिक थी, वहां पे एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ था, जो अभी भी कमोबेस है, जो कॉफी, सुगर, कॉटन, कॉर्न, टोबैको, सोया, रबर, ये सब जो है होती थी, और उससे ह्यूज जो है कैपिटल आता था। उससे थोड़ी बहुत जो है वहां पे लाइट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, फुटवेयर और फूड प्रोसेसिंग, ये सब डेवलप शुरू में हुई थी। उस समय में जो है ये जो एक्सपोर्ट था या जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ था वो स्टेट से बहुत ज्यादा कोई डोमिनेटेड नहीं था, रिलेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम स्टेट था, क्योंकि एक्सपोर्टर खुद ही अपना एक्सपोर्ट करते थे, पैसा लाते थे, और उससे सरकार थोड़ी सी पब्लिक फाइनेंस करके जो है इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर लेती थी। ये फेज 1930 में खत्म हो गया। 1930 में न्यू स्टेट बनने के बाद वार्गास का जो है एक पॉलिसी अपनाई गई, इसको कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया, जो इंडिया में भी हुई थी प्लांट इकोनॉमी के टाइम में 1950 से, वहां पे 1930 से हुई। वहां पे ये हुआ कि हम बाहर से जो है इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं मंगवाएंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, और स्टेट उसको प्रोटेक्शन देने लगा टैरिफ को ऊंचा करके, और स्टेट ने जो है ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए, बड़े बड़े कंपनी, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाए इंडिया के जैसा ही, और स्टेट लेड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हुआ, जो कि काफी बहुत अच्छा रहा इनफैक्ट अगले 30-40 सालों तक। यहाँ पे तीन फेज में इस स्टेट लेड डेवलपमेंट को बांट सकते हैं। लाइट फेज में जो है लाइट इंडस्ट्री जो है वो जैसे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, जो कि लो स्टेट कैपिटल यूज करता था, स्मॉल सब्सिडी का स्टेट देती थी और उसको टैरिफ प्रोटेक्शन दिया जाता था, इसने ह्यूज जॉब क्रिएट किए, क्योंकि ये जॉब मतलब कि लेबर इंटेंसिव ये सब इंडस्ट्री थी। 1945 से 64 के बीच में करीब 20 साल जो है हैवी इंडस्ट्री फेज था, हैवी फेज जहां स्टेट लेड हैवी कोर एंड मेगा इंडस्ट्री जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आयरन स्टील, माइनिंग, पेट्रोलियम, शिप बिल्डिंग, इन सब में जैसे पेट्रोब्रास और वाले टाइप की कंपनी खोली गई। यहां पे उसको जो है पारा स्टैटल बोलते हैं ब्राजील में, पीएसयूज को जो हम लोग उसको पीएसयू बोलते हैं वहां पारा स्टैटल बोलते हैं, और मैंने बार बार आपको नाम लिया है पेट्रोब्रास जो वहां की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, इलेक्ट्रोब्रास जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, और वैले जो कि माइनिंग और बहुत सारे और काम करती है। 1964 से 84 जो मिलिट्री एरा था आपको याद होगा, वहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल फेज कहते हैं, वहां पे ऑटोमोबाइल, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मशीनरी फॉर द डोमेस्टिक मार्केट स्टेट कॉर्पोरेशन बनाने लगे। 1980s को वहां पे लॉस डिकेड कहते हैं, क्योंकि उसमें लो ग्रोथ हुआ और ह्यूज पब्लिक डेट हो गया और हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गई, जो कि 4-digit इन्फ्लेशन थी, मतलब ह्यूज एक एक महीने में 200% की इन्फ्लेशन, लिंक टू आइडियोलॉजी ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है उसको जो आपको याद होगा एंडर गुंडर फ्रैंक का मैंने आपको पढ़ाया है डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसमें जो कि इसी ब्राजील के इकोनॉमी को स्टडी करके बनाया गया, इसके एक प्रेसिडेंट थे कॉर्डोसो, उन्होंने भी ये थ्योरी का एक वर्जन दिया था। उसके अनुसार से ये कहना था कि ब्राजीलियन इकोनॉमी सफर की है क्योंकि एक पेरिफेरल स्टेट बन के रह गई, कोर की कोर या मेट्रोपोलिस जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड था, और उसके सैटेलाइट के तौर पे इसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो एक्चुअली अंडर डेवलपमेंट है, और जब तक वो आइसोलेट नहीं होगी इस कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम से, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम वॉल्स्ट्रीट ने कहा था, तब तक इसका कोई भला नहीं होगा।
इसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की मॉडल जो है 50 साल तक जो है ब्राजील में चलाई गई, लेकिन वो सब जो है खत्म हो गई 1990s के आते आते, क्योंकि इतना ह्यूज डेट हो गया, इतना हाई इन्फ्लेशन हो गया कि ब्राजील का इकोनॉमी पूरी चरमराने लगी और फिर उसको IMF के पास जाना पड़ा लोन के लिए। IMF ने कहा कि भाई हम तो आपको तभी देंगे जब आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करेंगे, जिसको कि नियो लिबरलिज्म आप कह सकते हैं, नियो लिबरल पॉलिसी जो इंडिया को भी करनी पड़ी 1991 में। तो ब्राजील इंडिया ने एक ही टाइम में जो है LPG किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और जैसे जैसे इंडिया में हुआ लगभग वैसे ही जो है ब्राजील में किया गया। फर्क केवल ये था इंडिया में कोई हाइपर इन्फ्लेशन नहीं थी, यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी टेम किया गया, यहाँ कोई करेंसी इशू नहीं थी, वहाँ पे तो ह्यूज करेंसी इशू थी, पूरी करेंसी को बदल दिया गया, प्लानो रियल लाया गया, इसको रियल प्लान बोलते हैं, कॉर्डोसो ने लाया, उसके बाद वहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई और फिर वहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर को बेचा गया, जैसे इंडिया में भी आधा अधूरा बेचा गया, वहाँ ह्यूज नंबर ऑफ बेचा गया और ओपन किया गया इन्वेस्टमेंट को, FDI को, सेक्टर को खोले गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ और एक नए रास्ते पे ब्राजील जो है 1990 से चल निकला। क्या इफेक्ट हुआ हम लोग आगे, जैसा मैंने आपको बताया कि नियो लिबरलिज्म जो ब्राजील में हुआ है उसके क्या इंपैक्ट्स हुए, ये मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं। नियो लिबरलिज्म जैसा मैंने बताया कि इंडिया के जैसा ब्राजील में 1990s में शुरू हुआ, उस समय प्रेसिडेंट कोलर डी मेलो थे, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कॉर्डोसो थे जो कि बाद में ब्राजील के प्रेसिडेंट बने। तो कॉर्डोसो और डी मेलो के टाइम में नियो लिबरलिज्म शुरू हुई। उस समय में ब्राजील वॉज बैटलिंग विद हाइपर इन्फ्लेशन एंड ह्यूज पब्लिक डेट, तो गाइडेड बाय IMF एंड बेस्ड अपॉन वॉशिंगटन कंसेंसस। तो ये उनका कंसेंसस या जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, ये जो आप पढ़ेंगे तो इंडिया के लिए भी यही थी, पूरी दुनिया के लिए थी कि चेकिंग इन्फ्लेशन थ्रू ड्रास्टिक फिस्कल एडजस्टमेंट, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट जो है फिस्कल मेजर्स रखो, मतलब कि आपका जो रेवेन्यू है और जो खर्च है उसमें सामंजस्य होना चाहिए। ये नहीं कि कमाओ 100 रुपये खर्च करो 150 रुपये, तो खर्च को कम करो या रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाओ, उससे इन्फ्लेशन कम होगा। इंटरेस्ट रेट को मॉडरेट रखो, मार्केट डिटरमिंड रखो, इंटरेस्ट रेट हाई मत रखो, हाई कॉस्ट इकोनॉमी मत बनाओ, प्राइवेटाइज करो, खास करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दो, ट्रेड को लिबरलाइज करो, मतलब कि फ्री ट्रेड बाहर से इंपोर्ट आने दो, अपनी टैरिफ को कम कर दो, मार्केट डिटरमिंड इंटरेस्ट जो मैंने बोला वो रखो और ओपन करो सेक्टर्स को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और डी कंट्रोल करो फॉरेन कैपिटल को, मतलब फॉरेन कैपिटल पे बहुत ज्यादा बंदिश मत लगाओ। एक तरह से पूरी तरह ओपन इकोनॉमी, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी की जो है कवायद थी, हम लोग को अच्छी तरह पता है क्योंकि इंडिया में भी LPG हुआ, कई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हुआ, ब्राजील में भी उसी तरह से हुआ। उसके इम्पैक्ट लगभग वैसे ही थे जैसे इंडिया में हुए हैं। इन्फ्लेशन तो टेम हुआ, ये तो इसका एक पॉजिटिव रहा। इनफैक्ट इसमें प्लान रियल का बहुत बड़ा हाथ था, जब से रियल करेंसी आई और उसको एक लूज जो है पैक किया गया US डॉलर के साथ में, तब से जो है वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई। GDP ग्रोथ लेकिन डिक्लाइन कर गया, यदि आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो पूरे 80 के दशक में 3% की लगभग एवरेज GDP ग्रोथ हुई थी, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं थी, और 90s में 10 साल का जो था वहां तो घट करके 1.82% रह गई। इसके कंपैरिजन में इंडिया का देखिए तो इस पीरियड में हमारी ग्रोथ रेट जो है एवरेज 6% के आसपास हुई थी। नो रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, लेकिन इनइक्वालिटी कुछ नहीं घटी, उसका जीनी इंडेक्स लगभग सेम रह गया, तो इससे जो है इक्वल इनइक्वालिटी को पाटने में फायदा नहीं हुआ नियो लिबरलिज्म से। रैंकिंग जो HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है और वो स्लिप कर गया ब्राजील इस पॉलिसी आने के बाद, पहले 59 था वो बढ़ करके अब जो है 74 हो गया, मतलब नीचे हो गया 98 में। रिडक्शन इन पॉवर्टी, ऑफकोर्स ये एक इसका पॉजिटिव था कि एब्सोल्यूट टर्म में जो है पॉवर्टी करीब 50% घट गई, जो कि 38% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे वो घट करके 19% रह गए 83 से 2006 के बीच में। यदि आज देखें तो करीब 10-12% वहां पे पीपल पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इंक्रीज इन रियल वेज तो हुआ, जो वर्कर थे उनके रियल वेजेस बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, उनकी वैल्यू एडिशन की कैपेबिलिटी बढ़ी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गया, ये तो होना ही था क्योंकि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के टाइम में जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन था, वो बहुत जॉब प्रोवाइड करते थे सोशल वेलफेयर के नाम पर भी, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर को बेच दिया गया उन्होंने अपने एम्प्लॉय को छटनी कर दी, और जो इम्पोर्ट से जब सामान आने लगा तो बहुत सारे डोमेस्टिक कंपनी जो है बंद हो गए, तो उसमें वर्कर्स कम रह गए। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन होने से भी एम्प्लॉयमेंट घटी, जो सर्विस सेक्टर जो वहाँ पे बूम हुआ इंडिया के जैसा ही वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया इंडस्ट्री से जो लोग निकले थे, इसके चलते वहाँ पे ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन ब्राजील, जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है।
यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको ये बताने की कि जो उसके प्रोमिनेंट लीडर है, मैं केवल चार को ले पाया हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है वार्गास, जो कि उसके प्रेसिडेंट थे मोर देन 18 इयर्स तक, पहले तो 30 से 45, फिर 51 से 54 तक, जो कि जिनको जिन्होंने कि न्यू स्टेट जो है वो बसाया बनाया, जिसको कि सेकेंड और थर्ड रिपब्लिक भी बोलते हैं। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द पुअर, फाउंडर ऑफ द न्यू स्टेट, विच लॉन्च्ड ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स दैट एस्टैब्लिश द टर्म्स ऑन विच ब्राजीलियन सोसाइटी वुड बी लिंक्ड टू द स्टेट फॉर डिकेड्स, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ ब्राजील। यदि आप एक किसी को देखें तो वार्गास, वहां के नेहरू जी कहे जा सकते हैं। फर्नांडो कोर्डोसो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, इनफैक्ट ये सोशियोलॉजिस्ट और ऑथर के रूप में, विचारक के रूप में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं अभी भी। प्रेसिडेंट जो हैं वो रहे 1995 से 2002 तक। ही टेम्ड इन्फ्लेशन, वही जो है प्लानो रियल लेकर के आए, एक नया करेंसी रियल। ही रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी थ्रू मैसिव कैश ट्रांसफर स्कीम, इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, बोल्सा फेमिलिया जैसे, एंड लिबरलाइज्ड इकोनॉमी बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट कॉरपोरेशंस, और इन्होंने जो है लिबरलाइज किया, एलपीजी इसको बोलते हैं, न्यू लिबरल पॉलिसी लाया, एक सोशियोलॉजिस्ट होने के बाद भी और लेफ्ट लीनिंग होने के बाद भी मैं कह सकता हूँ। लूला डी सिल्वा मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन कह लीजिए, जो कि उस समय दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन थे, 2003 से 2010 तक जो है प्रेसिडेंट रहे। ही लॉन्च्ड बोल्सा फेमिलिया एंड फॉर्म जीरो मतलब जीरो कर देंगे पॉवर्टी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्राजील, डीप इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। आज भी लूला का जो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा वहां पे है। देन मैनुअल ड्यूडोरो दा फोंसेका को मैंने लिया है, जो कि फाउंडर ऑफ ओल्ड रिपब्लिक थे। इन्होंने ही जो है एक तरह से रिवोल्ट करके जो है एम्पायर को खत्म किया, डैम पेड्रो का ही डिस्पोज्ड ऑफ द एम्परर पेड्रो टू इन 1885, और जो ओल्ड रिपब्लिक थी उसकी उन्होंने स्थापना की। सो दीज आर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ ब्राजील, और कई और हैं जिनका कि मैं यहाँ जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ। सो स्टूडेंट, जस्ट टू सम अप, फिफ्थ लार्जेस्ट इन बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन, ninth largest economy in world and largest in South America, second largest in America, Brazil is a emerging and potential superpower in all sense. Its strong agri-based export, trade surpluses, reasonably high industrialization and development are countered by, मतलब उसको challenge किया जाता है, मतलब ये plus है तो minus हो जाता है, by highly unequal and sluggish growth, high inflation, huge debt, unemployment and corruption. Its fragmented and personalized party system, authoritarian tendency of head of the state, populism, corporatism, clientelism and corruption pull down the nation. Starting with export-led economy to state-led industrialization and development since new state in 1930s, and then adopting neoliberalism under the guidance of IMF in 1990s, Brazil followed the path similar to India and other developing third world nations. Neoliberalism has mixed to negative outcome: slower growth, unemployment, no reduction in inequality, low investment, etc. But positive impacts were lower inflation, poverty reduction, and fiscal discipline. Political economy of Brazil denotes the vital role played by socio-cultural factors on the economic structure and relationship in any nation. Brazil is everything to become superpower, but it is held back by social structure and power relations, which is highly unequal and unjust. So students, thank you very much. See you next week, maybe weekend, with area study on Nigeria. Have a nice time.